हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक्सप्लोर इंडिया के एक और नए वीडियो में। और आज हम आपको एक ऐसे सिटी की सफर पर ले जाने वाले हैं जिसे गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। हाँ जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वर्तमान कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलोर सिटी के बारे में। बेंगलोर भारत के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसे आधिकारिक तौर पर बेंगलुरु के नाम से जाना जाता है। आज के समय में इस शहर की जनसंख्या 1 करोड़ से भी ज्यादा है और एक अनुमान के अनुसार बेंगलुरु में 51% से अधिक लोग भारत के विभिन्न हिस्सों से आकर बसे हैं। और अपने सुहाने मौसम के कारण इसे भारत का उद्यान नगर भी कहा जाता है। बेंगलुरु समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि देहरादून की ऊंचाई से भी ज्यादा है। और इसी वजह से ही पूरे साल इस शहर का मौसम हमेशा शानदार और ठंडा रहता है। इसी वजह से ही लोग यहाँ पर आकर रहना पसंद करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि आधुनिक बेंगलुरु की स्थापना सन 1537 में विजयनगर साम्राज्य के दौरान हुई थी। नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा को बेंगलुरु का निर्माता माना जाता है। बेंगलुरु भारत में आईटी कंपनीज के लिए हमेशा से ही अग्रणी स्रोत रहा है और इसी कारण से ही इसे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इसरो, इंफोसिस और विप्रो जैसी कई बड़ी बड़ी कंपनियों का मुख्यालय भी इसी शहर में मौजूद है। इस समय पर बेंगलुरु को भारत का सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी माना जाता है। आपको शायद ही पता होगा कि देश में 1905 के दौरान सबसे पहले बिजली की शुरुआत इसी शहर से हुई थी। और बेंगलुरु का सिटी मार्केट ही वो स्थान है जहां पर सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइट ने अपनी चमक बिखेरी थी। आज पूरे भारत के मुकाबले बेंगलुरु में ही सबसे ज्यादा पब और बार्स पाए जाते हैं और इसी कारण से ही आज बेंगलुरु को पब कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दीपावली और दशहरा जैसे त्योहार यहाँ के लोग धामधूम से मनाते हैं। कन्नड़ फिल्म उद्योग का केंद्र बेंगलुरु सालाना कई कन्नड़ फिल्मों का निर्माण करता है। कन्नड़ फिल्मों की लोकप्रियता में पिछले साल रिलीज हुई KGF मूवी से ही देखने को मिल जाती है। स्पोर्ट्स की बात करें तो क्रिकेट यहां का सबसे लोकप्रिय खेल है। विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि RCB इसी शहर की फ्रेंचाइजी है, जो हमें IPL में खेलती हुई नजर आती है। राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले जैसे कई बड़े बड़े खिलाड़ी इस शहर ने हमें दिए है। M चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में स्थित एक प्रसिद्ध क्रिकेट का मैदान है। बेंगलुरु भारत का पहला शहर था जिसने वाईफाई की मुफ्त सुविधा शुरू की और जिसे नम्मा वाईफाई कहा जाता है। बेंगलुरु में बड़ी संख्या में मौजूद जिलों के कारण इसे जिलों का शहर भी कहा जाता है। शहर में लगभग 25 से भी ज्यादा जिले मौजूद है और इसके अलावा भी बेंगलुरु में कई बड़े बड़े विश्वविद्यालय मौजूद है। बेंगलुरु में रहने वाले हर एक बेंगलुरु वासी को यह बात पर गर्व होना चाहिए कि अब तक पूरे भारत में नोबेल पुरस्कार के लिए साइंटिस्ट के सबसे ज्यादा नॉमिनेशन का श्रेय बेंगलुरु को ही जाता है। बेंगलुरु के सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड में इडली वड़ा और डोसा माना जाता है, जिसे यहाँ के लोग बहुत स्वाद से खाते हैं। इन व्यंजनों को गर्मा गर्म सांभर और नारियल की चटनी के साथ परोसा जाता है। अगर आप बेंगलुरु में घूमने के लिए जाते हैं तो मैंगलोरी बंस, दाल ओलबट्टू, उत्तपम और बाजी के साथ फिल्टर कॉफी को ट्राई करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट के मामले में भी यह शहर काफी आगे है। यहाँ पर मौजूद कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ से देश के साथ दुनिया के बड़े बड़े शहरों में सीधी फ्लाइट जाती है। बेंगलुरु ही भारत का वो शहर है जहाँ पर भारी भीड़ के चलते फ्लाईओवर्स के ऊपर भी ट्रैफिक सिग्नल देखने को मिलते हैं। वैसे तो बेंगलुरु में कई ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं, तो चलिए अब हम बेंगलुरु के कुछ टूरिस्ट प्लेसेस की बात करते हैं। सबसे पहले है बेंगलुरु पैलेस। 45,000 वर्ग फीट में फैले हुए बेंगलुरु पैलेस में दक्षिण भारत के राजाओं की भव्यता दिखती है। इतिहास प्रेमियों के लिए ये काफी एक अच्छी घूमने की जगह है। उसके बाद है उल्सूर झील। 50 हेक्टर में फैली हुई यह झील बेंगलुरु की सबसे बड़ी और खूबसूरत झीलों में से एक है। अपने शांत वातावरण के कारण यह झील प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है। उसके बाद है नंदी हिल स्टेशन। बेंगलोर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नंदी हिल बेंगलोर का छोटा सा हिल स्टेशन है, जहां पर जाना आपके लिए एक आनंद का अनुभव हो सकता है। इसके अलावा भी बेंगलोर में थोटिकल्लू फॉल्स, लालबाग, कब्बन पार्क, फिल्म सिटी जैसी कई जगह है जो कि आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा प्यारा सा बेंगलुरु सिटी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।